अच्छा जी, ऑल्ट्रेशन। अगर नेट डाउन हो जाता है तो मैं कोई और निकालूंगा सिलसिला, दोबारा कुछ करने की कोशिश करता रहूंगा, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर, ऑल्ट्रेशन किसे कहते हैं? ऑल्ट्रेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे टेक प्लेस व्हेन वन और मोर ऑफ देम, वन और मोर ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज आर ऑल्टर्ड बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इन सच अ केस द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। ठीक है जी, इसमें क्या बताया गया कि भाई होता यह है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है जी, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है उसमें किसकी वजह से? ऑल्ट्रेशन की वजह से। अगर आपने कोई ऑल्ट्रेशन की है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर पेमेंट देने का वक्त आपने बदल दिया, ठीक है जी, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी तरह पेमेंट देने के वक्त के अलावा अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन कोई भी चेंज की तो वो भी ऑल्ट्रेशन कहलाता है। एग्जांपल अभी पढ़ते हैं इसकी, ज़रा एक मैसेज आया है उसका रिप्लाई कर दूँ। आप में से किसी ने मैसेज किया है कि भाई लिंक्स दे दें, तो ये मैंने आपको लिंक भेज दी। अच्छा जी, ए बिकम्स अ स्लीपिंग पार्टनर विद बी फॉर 25% शेयर इन द प्रॉफिट्स। यानी कि ए क्या बन गया? एक स्लीपिंग पार्टनर बन गया विद 25% शेयर इन प्रॉफिट्स। सब्सिक्वेंटली द पार्टीज एग्जीक्यूट अ न्यू पार्टनरशिप डीड वेयर बाय ए इज मेड अ वर्किंग पार्टनर ऑफ फॉर 50% शेयर इन प्रॉफिट्स। भाई ए को क्या किया था? हमने स्लीपिंग पार्टनर किया था, और जब वो स्लीपिंग पार्टनर था कितने परसेंट का शेयर होल्डर था? 25% का शेयर होल्डर था। अच्छा जी, सब्सिक्वेंटली द पार्टीज एग्जीक्यूट अ न्यू पार्टनरशिप डीड। अब क्या हुआ? फिर हमने उसमें चेंज कर दिया और पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने तब्दीली करके उसको 25 की जगह पर 50% का अगर हम उसको पार्टनर बना लेते हैं, ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है? आ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना। इसमें शुरू की जो है वो जून की, उसके बाद वाली जो है वो जुलाई की। बेटा दोनों मैंने इस वक्त दे दिए, दोनों आप देख सकते हैं। 8 तारीख है, 18 तारीख, 9 तारीख है, 18 तारीख तक आप देख सकते हैं। ओके, डिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें आर की कमी है, ये आ गया। डिसीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस व्हेन ऑल और सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसल्ड। भाई बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कॉन्ट्रैक्ट की, अगर हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है जी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कहलाएगा, ठीक है जी, तो ये इसके अंदर बताया गया। अच्छा, रिसीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेक्स प्लेस व्हेन सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसल्ड। यानी कि भाई तुम इंटरेस्ट देना अब बाद में हो गया, इंटरेस्ट मत देना, तो इंटरेस्ट बाद में अगर हम मना कर देते हैं कि अभी आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज। सही है जी। अच्छा, अब इसकी बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये होगा कैसे? इसकी पहली बात इसमें बता दी गई कि ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट म्यूचुअल कंसेंट। अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं होगा तो फिर इसकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी। वेयर वन पार्टी फेल्स टू फेल्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन इन सच अ केस द अदर पार्टी में रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट प्रिजुडाइस टू हिज राइट टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
यानी कि अगर आप एक परफॉर्मेंस देने में अगर आप फेल हो जाते हैं तो इस सिचुएशन में भी ये हो सकता है कि वो सामने वाला बंदा बोले नहीं यार, ये जैसा भी ये बंदा तो अपना ही है ना, तो कोई बात नहीं, अगर इससे ये काम नहीं हो पा रहा इसको मज़ीद टाइम दे देते हैं, इसको रिलैक्स कर देते हैं, ये चीज़ इस पे से उठा लेते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा दो सवाल ले लेते हैं, दो सवाल आ गए, राबिया का सवाल है, खिजर का भी सवाल है, आप दोनों का से जो